हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस, अगेन एक ब्रांड न्यू वीडियो में सभी को वेलकम। आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वी बैच पाकिस्तान सर्वर के अंदर आएगा या नहीं, इस पे भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, बाकी डुओ का एंड लेवल गेम प्ले गया है, तो चैनल पे पहली बार आ रहे तो सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना है। वीडियो को भी लाइक कर देना। P90 हम लोगों को यहाँ से मिला है, एक बंदा है। ओके, बंदी अच्छा शॉट। और क्या यहाँ पे जोया खान को नॉक कर रहा है भाई। वी बैज की गैस थोड़ी सी बात कर लेते हैं सबसे पहले कि वी बैज पाकिस्तान में सिर्फ इसी एक सूरत में आएगा, अगर भाई यहाँ पे ऑडियंस की सपोर्ट जो है ना वो ज्यादा देखने को मिली। फ्री फायर अपने जो नए इवेंट्स लाएगा, अगर यूट्यूबर उसको अच्छे तरीके से कवर करते हैं और उन पे व्यूज बहुत अच्छे आते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि पार्टनर प्रोग्राम पाकिस्तान सर्वर के अंदर वापस आ जाए। तो ये चीज लाजमी है, अगर अच्छे व्यूज नहीं आते उनके ऊपर और ज्यादा ऑडियंस रिटेंशन नहीं होती तो नहीं आने वाला भाई। एक और बंदा, बंदे को मार लेते हैं, मजीद डिस्कस करेंगे। वीडियो लेट आ रही है क्योंकि भाई आप लोग यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं करते, सपोर्ट नहीं दिखाते बिल्कुल भी। ओके, पहले इस बंदे को पकड़ते हैं भाई। ओनली रेड नंबर्स, वो भी P90 के भाई, और इसके साथ इसका किल भी कंफर्म हो चुके हैं। तो दो किल हम लोगों ने यहाँ पे पीक पे निकाल लिए हैं एक एक के साथ, यहाँ पे P90 का कॉम्बो। एक और बंदा, ओनली बॉडी स्प्रे। ओहो, बंदे ने डैम ही लगा दिए। सख्त नफरत है भाई इस करेक्टर से। एक ये हो गया और एक डिमिट्री हो गया, इन दोनों ने गेम को अजाब बना के रखा हुआ है कसम से। तो बाकी गाइस, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो कर दो। एक और बंदा, ओके बहुत अच्छे हेडशॉट। और यहाँ पे ओपी अहमद अली यहाँ पे नॉक है, तो तीसरा किल भी यहाँ से हम लोगों को मिल सकता है। तीन किल यहाँ पे हम लोगों ने फाइनली निकाल ली। अरे भाई साहब, गलत सीन यहाँ पे, बट कोई ना, अपने साथ जो प्लेयर है ना और काफी तगड़ा सर्वाइवर है, अगेन वर्ल्ड का टॉप सर्वाइवर अगर बात करें तो जिस लिस्ट में वो आते हैं उसी लिस्ट में मैं इसको रखना चाहूंगा, क्योंकि हर गेम में ये बंदा लिटरली जब भी मराऊं 3 से 4 दफा रिवाइव करता है और बातें भी नहीं सुनाता। क्योंकि अक्सर आप लोग अगर मरते हो तो आपका सर्वाइवर बोलने लग जाता है भाई कितने दफा और, बट ये सर्वाइवर अलग ही लेवल के ऊपर है, जितनी तारीफ करी जाए कम। अब आ जाते हैं भाई वी बैच के ऊपर, पाकिस्तान सर्वर के अंदर क्या वाकई में वी बैच आ रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपसे कुछ टाइम के बाद कुछ फ्री फायर के जो क्रिएटर हैं, जैसे कि टॉप के क्रिएटर हैं, वो आप लोगों को इवेंट्स कवर करते हुए नजर आएंगे। अगर वो इवेंट्स को अच्छे तरीके से कवर करते हैं और ग्रीना फ्री फायर के जो मॉडरेटर हैं वो चेक करेंगे कि व्यूज अच्छे आ रहे हैं तो ही पार्टनर प्रोग्राम पाकिस्तान सर्वर के अंदर वापस आएगा। एक चीज तो ये है, और पार्टनर प्रोग्राम पाकिस्तान में वापस आने के लिए कम से कम 2 मंथ और लगेंगे। और उसके बाद पार्टनर प्रोग्राम जैसे ही पाकिस्तान के अंदर आएगा, सबसे पहले तो भाई उन लोगों के वी बैजेस, सॉरी टू से उन लोगों के वी बैजेस रिमूव होने वाले हैं जिनकी प्रोफाइल के ऊपर ऑलरेडी है। ये क्या हो गया? मतलब वो तो पार्टनर प्रोग्राम में नहीं है, क्योंकि जो पार्टनर प्रोग्राम में लोग थे उन्होंने जब पार्टनर प्रोग्राम पाकिस्तान के अंदर से गया था, खत्म हुआ था, तो उन लोगों ने आइडिया परचेज या सेल कर दी थी, उन लोगों ने बेच दी थी वो आइडिया। तो अब जिनके पास आईडीज हैं वी बैच वाली, वो काफी महंगे में बिकी थी, उन लोगों ने ले तो ली थी, बट अब उनकी आईडी से वी बैच रिमूव होने वाला है, क्योंकि वो तो कंटेंट क्रिएटर बिल्कुल भी नहीं है। बाकी जो टॉप के कंटेंट क्रिएटर है ना, उनको ही सिर्फ वी बैच मिलने वाला। और क्राइटेरिया भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, यूट्यूब वालों को भी मिलेगा और टिकटॉक पे बहुत ज्यादा सवाल किया जाता है क्या टिकटॉकर्स को भी मिलेगा वी बैच। तो जी हाँ गाइस, टिकटॉकर्स को भी वी बैच मिलेगा, लेकिन क्राइटेरिया इस दफा बहुत ज्यादा हाई करा गया है। सिर्फ टॉप के क्रिएटर के लिए वी बैच पाकिस्तान के अंदर दिया जाएगा, टॉप के क्रिएटर, लेकिन इतना हाई भी नहीं है कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो, क्योंकि इंसान को कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किन लोगों को, किन क्रिएटर्स को ना वी बैच मिलेगा। तो सबसे पहले उन लोगों को वी बैच मिलेगा भाई जिनके टिकटॉक के ऊपर 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स होंगे, और उनके व्यूज भी काउंट करे जाएंगे। ग्रीनर लास्ट मंथ के उसके व्यूज भी देखेंगे, उनके जो मॉडरेटर हैं सब कुछ चेक करा जाएगा भाई। पहले की तरह ऐसे नहीं किसी को भी वी बैच पकड़ा दिया, अब तो ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि बहुत ज्यादा चेकिंग होगी अब। और दूसरा, जो यूट्यूब के लिए 50,000 सब्सक्राइबर चाहिए, टिकटॉक के लिए 1 लाख और यूट्यूब के लिए 50,000 सब्सक्राइबर, इससे अबव, बाकी व्यूज के बिना पे आप लोगों को बेनिफिट ग्रीनर देगी। तो ये क्राइटेरिया है। आप काफी सारे लोग मायूस हो जाएंगे, भाई हमारे तो 50,000 नहीं है, तो भाई अभी आप लोगों के पास 2 से 2.5 मंथ है, जितना हो सकता है कंटेंट बनाए, अच्छा कंटेंट बनाए, लोग भी देख सकें, फैमिली कंटेंट हो, ऐसा नहीं है कोई वल्गर आप लोग कंटेंट बनाना शुरू कर दें।
और उसमें फ्री फायर को जितना प्रमोट कर सकते हैं आप लोगों ने करना है। उसके बाद फ्री फायर वाले मॉडरेटर जो है ना चेक करेंगे भाई, तो आप लोग आराम से मेहनत करके वी बैच के लिए आराम से फॉलोअर गेन कर सकते हो। अभी आप वी बैच में टाइम रहता है, यानी कि 2 से 2.5 महीने रहते हैं पार्टनर प्रोग्राम को वापस लाने के लिए। भाई लगातार बोल रहा हूँ तो इस वजह से थोड़ा सा आवाज़ को ना इग्नोर करिएगा, गला सही नहीं है, तबीयत खराब थी थोड़ी सी। बाकी यहाँ पे एक बंदा भी है, ओके ऊपर वाले बंदे को 3 शॉट मारे, एक और आया यहाँ पे, गलत बंदे पे भाई रश करोगे तो मरोगे भाई। यहाँ पे बंदा नॉक है, और ये टिकटॉक की हर वीडियोस में आप लोगों को बोल रहा होता हूँ कि भाई बंदा चेक कर लिया करो, इस बंदे ने रश तो सही करा है बट बंदा इसने गलत चुन लिया था। तो इसके साथ हम लोगों ने 4 किल डन कर लिए हैं, 25 बंदे अभी तक अलाइव है। ओके यहाँ पे हुज़ैफा भाई जो कि गाड़ी लेके आए थे, तो एक ही हेडशॉट उनको पड़ा है। तो गैस थोड़ा सा वी बैज रिलेटेड जो पार्टनर प्रोग्राम पाकिस्तान सर्वर में वापस आ रहा है उसके ऊपर थोड़ा सा मैं आप लोगों को और बता दूंगा। अब मुझे पता है काफी सारे लोग भाई सैड रील्स बनाए गए, काश हमारे पास भी वी बैज होता, ये होता, काश मेरे पे फॉलोअर्स होते। तो भाई इससे अच्छा है कि आप कंटेंट बनाओ अच्छे वाला, वहाँ पे लोगों को आप लोग अपनी मेहनत दिखा सकते हो कि कितने अरसे से आप लोग इस कम्युनिटी के अंदर हो, और जो जो आप लोगों ने करा है वो सब लोगों को बताओ, और इससे आप लोग लोगों की सपोर्ट जो है ना गेन कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर दबा के ले सकते हो। सिर्फ 2 महीने के अंदर आप लोगों को पार्टनर प्रोग्राम पाकिस्तान में वापस नज़र आएगा और आप उसके अंदर बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो, अगर आप लोगों के जितना क्राइटेरिया मैंने बताया है। अगेन टिकटॉक पे कम से कम 1 लाख फॉलोअर और यूट्यूब पे 50,000 फॉलोअर। बाकी आप लोगों ने टिकटॉक के ऊपर जितना प्यार दिया है आजकल मैं देख रहा होता हूँ, इतने अपने फॉलोअर्स नहीं है टिकटॉक के ऊपर मैं मानता हूँ, लेकिन भाई जो व्यूज़ आते हैं भाई लिटरली 50,000 व्यूज़ आ रहे होते हैं नॉर्मल वीडियोस के ऊपर, यानी कि 10,000 तो कहीं नहीं गए और 50,000 वीक में एक वीडियो ऐसी होती है जिसमें आराम से आ जाते हैं। तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया है, उसमें से आप लोग 30% भी आप लोग यानी कि 30% भी आप लोग सपोर्ट इधर दिखा देते हो तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ होगी, और बिल्कुल हम लोग भाई जीत सकते हैं वी बैज। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं डिज़र्व करता हूँ, ये नहीं, एक यहाँ पे बंदा इसको मार लें, अच्छा हेडशॉट। तो भाई अगर आप लोगों को वाकई में लगता है कि मैं डिज़र्व करता हूँ तो इमोशनल वाला होने वाला कोई सीन नहीं है, अगर लगता है आप लोगों को वाकई में डिज़र्व करता हूँ तो भी आप लोग यहाँ पे सपोर्ट दिखा सकते हो। काफ़ी अच्छा हेडशॉट लड़की को गया। थोड़ा सा मैं अपना बता दूं तो भाई बैक इन 2020 में जब हम लोगों ने स्टार्ट करा था 2020-2021 के अंदर, तो अब तब से लेके भाई अब तक हम लोगों ने तकरीबन कोई ऑलमोस्ट 10,000 वीडियोस एडिट करके लगा दिए हैं। मल्टीपल हम लोगों के टिकटॉक अकाउंट से उनमें से कुछ बैन हो गए और मेन वाला अभी तक चल रहा है, उस पर भी कम से कम 2,000 से ऊपर ही वीडियोज़ होगी, क्योंकि 2100 तो मैंने पहले दिखाए थे कि इतनी वीडियोज़ हो गई हैं। बाकी YouTube के इस चैनल पर बात करें तो तकरीबन इस पर भी 1500-1600 वीडियोज़ अपलोड हैं, और इनके अलावा और भी चैनल्स हैं हमारे जिसके ऊपर कम से कम भाई 200-300 वीडियोज़ अपलोड हैं। तो भाई की मेहनत चेक कर रहे हो भाई इस लेवल के ऊपर करिए, सिर्फ आप लोगों की आप जैसे आप लोग TikTok पे प्यार दिखा रहे हो इधर भी दिखाओगे तो भाई बिल्कुल हम लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके यहाँ पे आसमा खान को नॉक एंड फिनिश दिया है, तो 8 किल भी इस गेम के अंदर हो चुके हैं। बाकी अभी तक यहाँ पे 18 बंदे अलाइव हैं, एंड तक देखना है गेम प्ले क्योंकि इस गेम के अंदर अलग ही लेवल के ऊपर गेम गई थी। टोटल एक ही दफ़ा शायद हम लोग मरे थे और वो अल्ट्रा ने हम लोगों को रिवाइव कर दिया था, उसके बाद भाई अलग ही लेवल पे गेम करी है। एक और बंदा, चलो बॉडी स्प्रे इसको ज़रूर मारी है बट बंदे ने अगेन, मैंने बोला था शुरू में 2 ही करेक्टर्स है अपने लोगों को, अपने को बहुत ज़्यादा सख्त चिड़ा है, एक तो ये डिमिट्री हो गया और एक वो सेंटो, पता नहीं सेनेटो है कुछ इस तरीके का नाम, जो भाई लोकेशन चेंज कर लेता है एक जगह पे डैमेज छोड़ के। भाई चेक करो भाई सस्ते नशे कर रहा है, इसको पता भी है सामने वाला प्लेयर बहुत अच्छा है, मेडिकेट नहीं मारा बैठ के मार रहा है, ये तो शुक्र करे हमने उसको हेडशॉट नहीं मारे, ओनली बॉडी स्प्रे के अंदर ही निपटा दिया। बाकी यहाँ पे मॉन्स्टर आया था तो मोशन जो है ना वो पकड़ के ट्रक पकड़ के हम लोग जोन में गए थे। ओके गाइस यहाँ पे लास्ट जोन 13 बंदे अलाइव है, 9 किल है और क्रिमिनल काफी अच्छे रेड नंबर्स यहाँ पे, और चलो इसका हमने अपने स्किल भी लॉक कर दिया था, मिया एक्स हाफे शायद इनका नाम है, तो इसका किल लेते 10 हो चुके हैं। और लिटरली HP चेक कर रहे हो कितना कम रह गया, ऊपर से इस बंदे ने मकड़ी छोड़ी है तो वो अलग से डैमेज दे रही है जोन अलग से।
और यहां से बचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था वैसे। भाई ये पिटेगा, आप पिटेगा क्योंकि आज भी अपनी पूरी हो चुकी और रिपेयर किट भी हम लोगों ने यहाँ पे लगा ली थी, तो इसका मरना बनता था। चलो काफी अच्छे हेडशॉट और डीएमटी यासीन भाई यहाँ पे नॉक एंड फिनिश हो चुके हैं। लिटरली कोई 10 से भी कम एचपी रह गए थे जहां पे ग्लूअल के अंदर इस बंदे ने ग्रेनेड मारे थे। बाकी यहाँ पे जून के अंदर पहुंचना भी अपने आप में एक चैलेंज था क्योंकि लास्ट जून स्टार्ट हो चुका था और अपने पास मॉन्स्टर ट्रक था। सबसे अच्छी चीज हमारे लिए ये रही है। बाकी सामने आप लोग देख सकते हो टावर की साइड एक बंदा है जिसने अल्ट्रा को नॉक दिया है। तो भाई चलो भाई इस पे रश करते हैं बिना देरी के। काफी अच्छे यहाँ पे हेडशॉट गाइस, इसका किल लेते 12 हो चुके हैं और एक बंदा और भी है। अरे भाई हेडशॉट चेक कर रहे हो, आज आजल पता नहीं एफएसएल कुछ इस तरीके का नाम। तो 13 किल लिटरली हम लोगों ने इस गेम के अंदर निकाल लिए और अभी भी 10 बंदे रहते हैं और 10 में अगर हम लोग 2 से 3 भी मारें तो 15 प्लस किल हो जाने हैं इस गेम में। ओके एक बंदा गाड़ी लेके भाई जोन के अंदर जा रहा है और वहां पे भी फाइट हो रही है। किल मिला नहीं, ट्राई हम लोगों ने पूरी करी है कि किल मिल जाए। वो मुझे लग रहा था शायद हुकंग में बंदा है। ओके एक और किल, वो भी किसी और के नाम। तो ये गलत सीन है भाई, गाड़ी पकड़ी हुई है भाई बंदों ने लास्ट जोन में और रश करने के लिए। और ओल्ड माफिया को एक अच्छा शॉट स्कार का और यहाँ पे अल्ट्रा ने भी मोस्टर ट्रक पकड़ लिया है और मोस्टर ट्रक से आप लोगों को पता है लिटरली एक हल्की सी टक्कर और सामने वाला बंदा फिनिश। तो अभी भी यहाँ पे 4 बंदे हम लोगों के अलावा, 3 बंदे अलाइव है, 14 किल यहाँ पे डन है। ओके भाई बंदे के पास यहाँ पे स्नाइपर है, टोटल एक शॉट मारा है और 150 प्लस एचपी गई है अपनी। लिटरली एक और गोली, वो भी बहुत ही खतरनाक खेल रहा है भाई। डबल स्नाइपर है शायद इसके पास या AWM है, क्योंकि इससे ज्यादा डैमेज भाई AWM से ज्यादा कोई गन नहीं दे सकती इस टाइम के ऊपर। अभी भी 14 ही है अपने पास और भुया के लिए 3 किल और चाहिए, यानी कि सामने की साइड 3 है और हम लोग अल्ट्रा और मैं ही रह गए। ये क्या सस्ते नशे कर रहा था, अभी अल्ट्रा के साथ बैठ गया था तो भाई अल्ट्रा इधर ही लेके आए और इस बंदे के साथ प्रैंक हो गया लिटरली। 15 किल यहाँ पे, 2 बंदे रह गए यानी कि 2 vs 2 है लास्ट जोन गाइस। स्कार के साथ अपने पास MP40 है, स्कार मैक्स बोले तो है अपने पास। और अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो, बिल नोटिफिकेशन ऑल पे कर लो, वीडियो को भी लाइक कर देना यहाँ पे आप लोगों ने। ओके गाइस यहाँ पे अल्ट्रा नॉक एंड फिनिश हो चुकी है, डीलर कोई तलाप है नहीं कुछ इस तरीके का नाम बचे हुए हैं। ओके पेड़ का कवर लेके एक बंदा बैठा है, इस पे रश करते हैं, ये बंदा पिटेगा। एक फ्लैशर, दूसरा फ्लैशर, चलो गया तलहा, डीलर था भाई। लास्ट ही प्लेयर यहां पे बचे हैं गाइस, 16 किल डन है, ये मारते हैं तो 17 किलो जाने हैं। ओके गाइस यहाँ पे भुजिया हो चुके हैं 17 किल पे। टिकटॉक पे देख रहे हो तो लाइक रीपोस्ट कर देना, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन ऑल लाजमी से करना है।